आप लोग भी महापुर है और एक बात हम आप लोग का हम रखना, आप उनका जन्मदिन मनाते हैं और हम लोग उनके विचारों के मुताबिक काम करते हैं कि हमसे जितना संभव होगा आपके हक में हम लोग अपनी बात करते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। जेपी की जयंती पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नागालैंड पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद हैं और वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भव्य स्वागत भी किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच से भाषण दे रहे थे लोगों को, तो क्या कुछ कह रहे हैं उनका पूरा अनकट वीडियो पहले आप वो सुने। जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव जी हैं और यहाँ मौजूद है हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद श्री अनिल हेगड़े जी, पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह जी, जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के प्रभारी हमारे इंसार जनाब जो बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति हैं और यहाँ पर उपस्थित जनता दल के मणिपुर के स्टेट प्रेसिडेंट श्री देव सिंह जी, अरुणाचल प्रदेश के जनता दल के स्टेट प्रेसिडेंट श्री मोहित कामू जी और जयप्रकाश रामपुर सरकार के सम्मानित और जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ उन्होंने नाम किया था यहाँ नागालैंड में डॉक्टर विनय योगी, जिनसे रहने वाली मुलाकात हुई और उन्होंने किताबें यहाँ पर बात है और आकर के लोगों ने उन्होंने लोगों को सब तरह
चाहते हैं कि आप लोग भी वहां पर आए, और एक बात हम लोग को हमें लगता कि भाई जब हम आपके बीच में आ जाए और आपने जेपी के जन्म लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर बुलाया है, आप उनका जन्मदिन मनाते हैं और हम लोग उनके विचारों के मुताबिक काम करते हैं, इसीलिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमसे जितना संभव होगा आपके हक में हम लोग अपनी बात करते रहेंगे और आपके हित में जो कुछ भी करना होगा हम करने की कोशिश करेंगे। आपको आश्वस्त करना चाहते हैं और पूरे तौर पर आप सबको अच्छी खासी संख्या में आज जीती की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और आप सब लोग जल्दी से आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए और आपका आपका राष्ट्रीय सुंदरता है उसी तरह से देश भर में भी लागू हो, ये मामूली बात हमको मालूम है क्या भाई? समय पर आप लोग यहाँ के बच्चे बच्ची लड़के लड़की जो भी हो पुरुष स्त्री समय पर सोते हैं, समय पर जगते हैं, समय पर भोजन करते हैं और कितना बढ़िया स्वाद, ये तो आप लोगों का ये चीज तो सीखने के लायक अन्य जगहों पर। जब आप जाइएगा तो वहाँ का लोग भी सीखेगा कि क्या समय पर एकदम और ठीक समय पर सोते हैं, ये कोई मामूली बात है। और यहाँ पर के लोग जो हैं ये सब लोगों का बात जानते ही हैं कि सभी लोग तो ईसाई समुदाय के लोग, एक बार जान लीजिए कि हम लोग बिहार में सभी समुदाय की इज्जत करते हैं और ईसाई समुदाय के भी सब चीजों को वहाँ पर ससमय काम किया जाता है, वो भी सब कुछ बनाया जाता है बहुत अच्छे ढंग से, हम सब लोग उसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ के लोग ईसाई समाज के मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। और अब तो बहुत जल्दी 25 दिसंबर को ही क्रिसमस होने वाला है, हम लोग भी बड़ा तरीके से क्रिसमस मनाते हैं, तो आपका भी क्रिसमस आएगा तो आपके उस क्रिसमस के अवसर पर भी मैं आपसे शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। और बुलंदी से बात रखिए, एकदम आप लोगों के मन में जो विचार है रखिए, और यहाँ पर कौन सा ईसाई समुदाय के लोग किसी को तंग नहीं करते हैं, हमारे देश में भी जो पूरे समाज के लोग हैं कहीं भी इधर उधर नहीं करते हैं, बहुत अच्छा समुदाय है। और यहाँ पर जो तो आपने साफ तौर पे सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जेपी की जयंती पर नागालैंड पहुंचे थे, और जहां अगर हम बिहार की बात करें तो आज बिहार के सारण जिले में भी देश के गृह मंत्री अमित शाह भी जेपी की जयंती पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ पूरे महागठबंधन की सरकार पर भी हमला बोला है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।